नमस्कार, लीगली स्पीकिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नेहा मिश्रा। आज हम बताएंगे, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर दून घाटी के लिए एक मास्टर प्लान और एक पर्यटन विकास योजना तैयार करने के लिए कहा है। साथ ही राज्य सरकार ने इस अवधि के दौरान घाटी के सभी व्यावसायिक निर्माणों पर रोक लगाने के लिए भी कहा है। एक जनहित याचिका पर निर्देश जारी करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने कहा, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर दून वैली की हालत खराब हो चुकी है, सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा इसमें कहा गया कि घाटी के लिए मास्टर प्लान और पर्यटन योजना बनाए बिना कोई भी व्यावसायिक गतिविधि नहीं की जानी चाहिए। दिल्ली निवासी आकाश विशिष्ट ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि केंद्र की 1989 की अधिसूचना के बावजूद उत्तराखंड सरकार ने ना तो पर्यटन गतिविधियों के लिए कोई योजना तैयार की है और ना ही भूमि उपयोग के लिए। जनहित याचिका में यह भी कहा गया कि कोई मास्टर प्लान भी तैयार नहीं किया गया है। जनहित याचिका में यह भी कहा गया कि दून घाटी कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो रही है, जो नदियों, जल निकाय और जंगलों को प्रभावित कर रही है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 9 अक्टूबर को तय की है। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह लीगल न्यूज के अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।